Hello guys, so today we are here to begin with our new chapter and new subject of maths. 12th standard maths ka hum log aaj se chalu karenge. Fine. So we'll begin with the first chapter, that is relations and functions. Okay, so let's quickly start the session without any other bakwas. Okay, so sabse pehle hum log, okay, 11th class mein relations and functions seekha tha humne, hai na? अब यहां पर भी देयर इज द सेम चैप्टर और आधे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होने वाले हैं, राइट? सो टू बिगिन विद, लेट्स कंप्लीटली रिवाइज व्हाटएवर वी हैड डन इन क्लास 11, ठीक है? सो आज का सेशन सिर्फ रिलेशंस पे रहेगा. ओनली रिलेशंस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. कोशिश करूंगा कि सारे बेसिक्स फिर से रिवाइज कराओ, है ना? एटलीस्ट जितने 12th क्लास के लिए रिक्वायर्ड है वो तो करवाएंगे ही करवाएंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडीड और दैट वी ऑलरेडी नो इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फटाफट, है ना? सपोज यू हैव टू सेट्स, एक है सेट ए, 1, 2, 3, 4. कोशिश करेंगे कि यही सेट लेकर के मैं आगे का पूरा कॉन्सेप्ट तुमको समझाऊ, है ना? कहीं कहीं अगर दूसरा सेट लेना पड़ा तो विल टेक इट, बट आई विल ट्राई नॉट टू. 5, 6, 7, 8 बड़ा सेट लिया, है ना? सो दैट मैक्सिमम केसेस इसमें कवर हो जाए. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए इंटू बी. जैसे 1 के साथ 5 को लो, 1, 5. 1 के साथ 6 को लो, 1, 6, 1, 7, है ना, 1, 8. जैसे मैथ्स में होता है ना प्रोडक्ट ए इंटू बी, तो सपोज ये है 2x + 3 × 2y + z, है ना? तो हम कैसे करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट? वैसे ही करना है, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 7, 1 को 8 के साथ, एंड सो ऑन. फिर 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 4, 5, 4, 6, 4, 7 and 4, 8. ये हो गया A cross B. A cross B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B. ठीक है, अब मैं ये लिखने में मुझे टाइम लगता है, फटाफट 2x स्पीड्स पे देख लेना इसको, है ना? टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम लोग का, बट मुझे तो कंप्लीटली सिखाना है. ठीक है, सो ये A cross B. अच्छा, B cross A अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, पहले B का एलिमेंट लेना है, 5, 1, 5, 1, 5, 2, 5 के साथ 3 और फिर 5 के साथ 4. ठीक है, अभी 1, 5 और 5, 1 दो अलग चीजें हैं, है ना? 1, 5 इज नॉट सेम एज 5, 1, ये दोनों अलग चीज है. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर, है ना? ऑर्डर जरूरी है. 1, 5 अलग ऑर्डर है, 5, 1 अलग ऑर्डर है ना? सो इट्स नॉट लाइक योर नेम स्नेहल राठी, राठी स्नेहल एक ही बंदा है. यहाँ पे ऐसा नहीं है, 1, 5 अलग इंसान है, 5, 1 अलग इंसान है, ऐसे समझो, है ना? सो ऐसा इसके साथ लेंगे अभी, यस, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 7, 1, 7, 2, 7, 4, या फिर 8, 1, 8, 2, 8, 3 एंड 8, 4. ये हो गया B क्रॉस A. मतलब यहां से हम बोल सकते हैं A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, है ना? A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. दोनों अलग अलग चीज है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब इसका डेफिनेशन, इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिख दूं, अगर इसको हम जनरल फॉर्म में थोड़ा लिखे, तो देखो जनरल फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं, ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी. सी,
1, 5, 2, 5, 3, 5, all a, b such that a belongs to a and b belongs to b. Yes or no? और वैसे b क्रॉस a का भी आएगा, b क्रॉस a is a set of all b, a. पहले b के एलिमेंट लो फिर a के. Yes, such that a belongs to a, a रहना चाहिए सेट a से और b रहना चाहिए सेट b से, है ना. दिस इज द जनरल डेफिनेशन. एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर लेना है तुमको, समझ में आ रहा है. सो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. बहुत सारा किया है लास्ट ईयर हमने, है ना. नाउ कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट में? ये सेट है ना, ए क्रॉस बी एक सेट हो गया. देखो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ कितने हैं? 16 एलिमेंट्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8+8, 16 एलिमेंट्स आ गए. इन जनरल अगर कोई भी दो सेट दे दिए, ए और बी इन जनरल, तो उसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में? यस, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज एन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज एन, then the number of elements in set A cross B is equal to m into n, है ना. यहाँ देखो A में 4 elements है, 4 है, इसमें भी 4 है, तो A cross B में कितने आएंगे? Number of elements in A cross B 4 into 4, 16. तो देखो 16 elements इसके अंदर है, correct. So this is a Cartesian product. इसको बोलते हैं Cartesian product. So this was our first concept for today. I hope एक ही example से सब कुछ बहुत अच्छे से clear होगा, ठीक है. So next concept हम पढ़ने वाले हैं relations का. What do you mean by a relation? देखो A और B दो set है, उनमें से हमको कुछ लोगों का relation निकालना है. Yes, the second topic or second concept is of relations. यार देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट, जैसे लास्ट ईयर भी मैंने एक एग्जांपल देके बताया होगा, करेक्ट. जब फर्स्ट डे कॉलेज में जाते हैं, है ना, हम लोगों ने तो किया था ऐसे. जब कॉलेज में जाते थे तो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट बनती थी, वहां पर लिस्ट बन के लगती थी, तो हम देखते थे अच्छा ये राठी है, यस दिस इज द सेट ऑफ ऑल बॉयज, दिस इज द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, है ना. और खुद को सबके साथ मैच करके देखो, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ, 1 को 8 के साथ, सबके साथ ट्राई मारो, है ना. किसके साथ रिलेशन बैठेगा मुझे नहीं पता. यस नो, सबके साथ ट्राई करो, किसके साथ रिलेशन बैठेगा नहीं पता, है ना. स्प्लिट विला का एग्जांपल दिया था मैंने, अगर कोई स्प्लिट विला देखता होगा तो क्या होता है उसमें, यू हैव 10 बॉयज, यू हैव 10 गर्ल्स जो आते हैं और यू हैव टू फाइंड योर परफेक्ट मैच, है ना. तो बॉयज क्या करते हैं, सारे गर्ल्स के साथ बात करते हैं और देखते हैं कौन अपना परफेक्ट मैच रह सकता है. तो वैसे ही होता है. यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या आया हमारा, ए क्रॉस बी वही दो सेट लिया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना. सो 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. ओके, आई पॉज द वीडियो फॉर यू गाइज एंड मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ये है, है ना. मतलब 1 किसके किसके साथ ट्राई कर सकता है? 5, 6, 7 और 8 के साथ. यस, लेकिन उसकी सबके साथ बने ये जरूरी नहीं है, ठीक है. सो व्हाट इज द रिलेशन? सपोज रिलेशन इज अ फंक्शन. यस, रिलेशन इज अ फंक्शन. फॉर एग्जांपल हम ऐसे बोलते हैं उसको, ए इज रिलेटेड टू बी, ए आर बी, A is related to B, है ना. And what is A related to B? Is a subset of A cross B. ये A cross B है, उसका subset है. Subset I hope सबको पता होगा, ये नहीं सिखाने वाला हूँ मैं अभी, है ना. A is related to B is a subset of AB. Suppose एक relation में define करता हूँ यहाँ पे एक relation define करता हूँ. क्या है relation? R, this relation R is a set of all A comma B such that let's say A and B are both even,
are both even numbers. For every, इसको बोलते हैं for every a belongs to a and b belongs to b, ये relation है ना. अब इनमें से हमको ऐसी जोड़ियां ढूंढनी है, ऐसी जोड़ी ऐसा पेयर इसमें से ढूंढना है जहां a और b दोनों इवन है और a होना चाहिए सेट a से, a है हमारा 1 2 3 4 और b होना चाहिए 5 6 7 8 इसमें से. यस yes? तो ऐसा रिलेशन देखो तो कौन सा आएगा, कौन कौन आ सकता है. यहां देखो 2 6 आ सकता है, 2 इज फ्रॉम ए 6 इज फ्रॉम बी और दोनों इवन है ना. और फिर 2 के साथ 8 आ सकता है, 4 के साथ 6 आ सकता है और 4 के साथ 8 आ सकता है. यस सो सी दिस इज अ रिलेशन. क्या रिलेशन है, मुझे ऐसी पेयर्स उठानी है ए क्रॉस बी में से जो बोथ ए एंड बी आर इवन और ए ए में से होना चाहिए बी बी में से होना चाहिए. सो सी दिस इज अ रिलेशन. ठीक है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ और कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग रिलेशंस बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक और रिलेशन बनाते हैं, अ रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी, इट इज अ सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए, यहां लेते ए एंड बी आर बोथ ऑड है ना, और ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी. For every A belongs to A, B belongs to B. Yes? तो क्या relation आ जाएगा? एक set मिलेगा हमको. ये होगा 1, 5, 1, 7, 3, 5 and 3, 7. So this is a relation. देखो तो क्या ये A cross B का subset है? हाँ, 2, 6 इसमें भी है, 2, 8 है, 4, 6 है, 4, 8 है. उसी में से हमने चुन के निकाला है ना. सो अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसा पढ़ते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी इन सच अ वे दैट अ रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का वो सबसेट होना चाहिए है ना. ऐसे बहुत सारे रिलेशंस में डिफाइन कर सकता हूं, अनगिनत. यस yes? अनगिनत तो नहीं, कितने ऐसे सेट्स बना सकता हूं, कितने रिलेशंस बना सकता हूं है ना, विच इज नथिंग बट हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कैन बी हैव, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हो सकते हैं. सो सपोज ए में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज एन, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, कितने सबसेट्स रहेंगे ए क्रॉस बी के, 2 raised to m into n है ना, 2 raised to m into n. मतलब देखो ऐसे कितने रिलेशंस में डिफाइन कर सकता हूं अलग 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 अलग. यस हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर पॉसिबल, 2 raised to m into n. इन दिस केस हियर ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स पॉसिबल है. सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 4, सो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2 raised to 4 into 4, 2 raised to 16 सबसेट्स बना सकता हूं मैं इसके. 2 raised to 16 एक बहुत बड़ा नंबर है, हां बहुत बड़ा नंबर है. यस 4000 8000 में कुछ जाएगा, इतने सबसेट्स में इसके बना सकता हूं है ना. और इतने सबसेट्स बना सकता हूं मतलब उतने रिलेशंस में डिफाइन कर सकता हूं, करेक्ट. यस एक रिलेशन बना लो, r इज रिलेटेड, a इज रिलेटेड टू b सच दैट r इज अ सेट ऑफ ab वेयर a एंड b आर बोथ प्राइम नंबर्स है ना. तो प्राइम नंबर दोनों हैं तो कौन से एलिमेंट जाएंगे, देखो ये है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स. यस 2 and 7 बोथ आर प्राइम नंबर्स, 3 and 5 बोथ आर प्राइम, 3 and 7 बोथ आर प्राइम, तो ये चार एलिमेंट्स उसमें आएंगे, करेक्ट. 5 भी उसमें से एक एलिमेंट रहेगा, नल नल सेट नथिंग. यस तो रिलेशन क्या है, रिलेशंस आर नथिंग बट सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी है ना. तुमको क्या रिलेशन चाहिए वो तुम निकालो. हाँ सपोज फॉर एग्जांपल हमारे केस में जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, यू पेयर अप योरसेल्फ विद एवरी गर्ल इन द क्लास
है ना, फॉर बॉयज यू पेयर अप विद एवरी गर्ल इन द क्लास, फिर एक रिलेशन बनाओ, रिलेशन वेयर ओके दोनों भी मारवाड़ी है माहेश्वरी है ना, तो उसमें से मारवाड़ी वाला शॉर्टलिस्ट करो पहले, बाकी सारे ऑप्शंस कट गए, करेक्ट, तो तुमको एक छोटा सेट मिलेगा कि हाँ भाई अब यही पॉसिबिलिटी है, इसमें से ही कुछ करना है जुगाड़ हमको, है ना, इंटरकास्ट तो चलता नहीं है घर पे, तो करें क्या फिर, फाइन, सो ये वाला केस रहेगा, तो रिलेशन इज अ सबसेट, एक कंडीशन है जो तुमको चॉइस करने में मदद करता है। हमने क्रिकेट का एक एग्जाम्पल देखा था, है ना, क्या क्या कॉम्बिनेशन है क्रिकेट का, पूरा हमने एक टेबल बना करके लास्ट ईयर पढ़ा था, यस, तो अभी शॉर्ट में बता रहा हूं सिर्फ, यस, कौन किसके साथ जा सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है ओपन करने की, यस, रोहित शर्मा शिखर धवन के साथ कर सकता है, रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ कर सकता है, वन इज रोहित शर्मा, लेट्स से रोहित शर्मा और किसी के साथ कर सकता है, लेट्स से केएल राहुल के साथ कर सकता है, फाइन, सो पॉसिबिलिटीज है, फिर उसमें से कुछ पर्टिकुलर कंडीशन लगा करके शॉर्टलिस्ट करो, तो रिलेशन इज दैट कंडीशन बेसिकली, करेक्ट, सो दैट इज रिलेशन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देखो सेम सेट लिया मैंने, ए बी लिख के रखा है यहां पर, है ना, ए क्रॉस बी भी लिख दिया, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन दैट वी विल सी इज वॉइड, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। इसका मतलब क्या है, जो सेट हमारा बनेगा आर, जो सेट बनेगा उसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए, इस कुछ भी नहीं मतलब एम्प्टी, इट शुड बी एम्प्टी, है ना, जीरो भी नहीं, कुछ नहीं, एम्प्टी आना चाहिए, मतलब इट शुड बी इक्वल टू फाइव, यस। एक एग्जांपल लेते हैं, डिफाइन अ रिलेशन ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। देखो तो यहां पे इसमें से कौन सा ऐसा पेयर उठाओगे जिसमें a माइनस बी जीरो आएगा, देखो यहां पे 1 माइनस फाइव माइनस फोर, 1 माइनस सिक्स माइनस फाइव, है ना, 2 माइनस सिक्स माइनस फोर, 2 माइनस एट माइनस सिक्स, 3 माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस थ्री, है ना, तो a माइनस बी जीरो आ रहा है क्या कहीं पे, कहीं नहीं, दिस इज अ वॉइड और एम्प्टी सेट, कोई भी उसमें से चूज नहीं कर सकते तुम, करेक्ट, है ना, सपोज मैंने अपना पेयर बनाना है, यस, सी दिस इज व्हाट, मैं मारवाड़ी हूं, है ना, तो मैं वही चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि ओके मैंने अपना रिलेशन सारी लड़कियों के साथ नाम तो लिख दिया, अब इसमें से मारवाड़ी लड़की के साथ कौन सा है, और यार क्लास में तो एक भी मारवाड़ी नहीं है ना, तो वॉइड गया, अभी क्या करे, अब तो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, दूसरे क्लास में देखो यार, है ना, कोई टेंशन नहीं है, दूसरे क्लास में चेक करो, दूसरे क्लास में नहीं तो मैकेनिकल ब्रांच में चेक करो, वहां नहीं तो दूसरे कॉलेज में चेक कर लो, या दूसरे ऑप्शन है हमारे पास, बट फिलहाल क्लास में तो एम्प्टी है, ये जो यहाँ पर हमारे पास जितने नाम है उसमें एम्प्टी है। और एक दे दिया ए माइनस बी सच दैट ए, लेट्स से बी इज इक्वल टू ए प्लस फाइव, b is equal to a plus 5 for every a belongs to a and b belongs to b, थोड़ा सा ट्रिकी लिया, थोड़ा सा, है ना, सपोज ये उठाता हूं मैं, कोई भी एक नंबर उठा 1 6, देखो तो 1, 6 लेता हूं, तो इज a equal to, नहीं यहां पर आ रहा है 1 second, हाँ ओके 1 plus 15 कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, 5 से आ रहा है 1 plus 15 करता हूँ, ठीक है, ये उठाओ 1, 6 उठा दो, है ना, तो क्या बोल रहा है, b should be equal to, see this is b, ये b है, ये a है, है ना, b should be equal to 1 plus 5, 15, है क्या ऐसा, नहीं है, no, b तो 6 है, so this is a void set, ऐसा कहीं नहीं आएगा इसमें, कहीं भी नहीं आने वाला है, फाइन, क्योंकि मैक्सिमम 8 plus 4, 12 आने वाला है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, 4 plus 8, 12 आएगा, करेक्ट, सो दिस इज ऑल्सो एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, क्लियर है, यस, सेकेंड टाइप ऑफ सेट,
set नहीं, relation. Second type of relation is universal. Universal relation. Now, what is a universal relation? Universal relation एक ऐसा set है कि each element of A is related to another element of B. मतलब example से देखो. See, एक set define करता हूँ R. R is a set of all A comma B such that A minus B mod of A minus B is greater than 0 for every A belongs to A and B belongs to B. देखो तो आ रहा है क्या? See, कोई भी एक element उठा लो 1,6 और इनका mod subtract करके है ना 1-6 is 5. Yeah, this is greater than 0. कोई भी उठा लो, मतलब it is valid for all the elements. तो universal set में सारे elements आ जाएंगे इसमें के ordered pair में. Yes or no? है ना? So take any other 2,8 ले लो. Fine. So 2-8 क्या होगा? देखो mod of 2-8 is 6, which is greater than 0. Yes. तो कोई भी element उठा लो, उस पे ये कंडीशन ट्रू रहेगी. यूनिवर्सल रिलेशन है वो. यूनिवर्सल रिलेशन है, किसी के साथ भी तुम अपनी जोड़ी बना सकते हो. घर से कोई बंधन नहीं है, सोसाइटी से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो इट इज अ यूनिवर्सल सेट, जो मन चाहे करो. समझ में आ रहा है ना? थर्ड, ये अच्छे से समझ लेना, आइडेंटिटी. Identity relation. What is an identity relation? Now is identity relation एक ही set पे applicable है. जैसे एक set लेते हैं A, 1, 2, 3, 4, है ना? An identity relation, अच्छा इसका definition क्या रहेगा? Definition बताता हूँ. R is a set of all A comma A. पहले एक set पे बता देता हूँ. Yes, it is a set of all A comma A such that A belongs to the relation. Yes, A belongs to A कर देता हूँ यहाँ पे. Yes, तो identity relation क्या रहेगा? देखो, set of A comma A. A comma A मतलब क्या? 1,1 है ना, 2,2, 3,3, yes, and 4,4. खुद का खुद के साथ A A, तो इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. सी, इफ आई राइट R इज इक्वल टू 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, यस, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन. ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखो इसमें 1,3 आ गया, 1,3 आ गया, 1,3 तो हमको चाहिए नहीं, है ना? Yes? अच्छा, is this an identity relation? R is 1,1, 2,2, बस इतना ही लेता हूं मैं. तो is it an identity relation? बिल्कुल, yes, बिल्कुल है ये identity relation. See, तुम बोलोगे सर 3,3 और 4,4 तो इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है, चलता है, कोई बात नहीं. लेकिन बच्चों, जो है वो AA होना चाहिए, मतलब जो है इसमें वो 1,1 है और 2,2 है, ये चलेगा, करेक्ट? 1 के साथ दूसरा कोई नहीं चलेगा, 2 के साथ दूसरा कोई नहीं चलेगा, 2 के साथ 2 ही चाहिए, है ना? और कम रहे तो चलेगा, सारे नंबर्स का नहीं. सी, डेफिनेशन क्या बोलता है? R इज अ सेट ऑफ ऑल A कॉमा A सच दैट A बिलोंग्स टू R. Yes? तो जो भी इसमें रहेगा वो A कॉमा A रहना चाहिए. कुछ एलिमेंट्स नहीं रहे तो चलेगा हमको, लेकिन जो है वो A कॉमा A होना चाहिए. समझ में आ रहा है? सो यस, दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन. दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज उसमें 1,3 आ गया, दूसरा कुछ आ गया, एंड दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी रिलेशन. समझ रहे हैं? यस. और इसको हम बोलेंगे कैसे? R is an identity
relation on A. R is an identity relation on A. Yes, यहां पर भी R is an identity relation on A. R is an identity relation on set A. Fine. So this is a relation R, and yes, it is an identity relation. किसका identity relation है वो set A का. करेक्ट. वैसे ही हम अगर यहां B लेते हैं तो B क्या था हमारा 5 6 7 8 है ना. तो B का आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है मुझे तो मैं R1 लिख देता हूं यहां पे 5 5 एंड 8 8. चलेगा क्या? बिल्कुल. सो R1 इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट B. करेक्ट. सो दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन. द थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन. एलिमेंट का खुद के साथ एक पेयर होना चाहिए. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आगे के अभी तीन रिलेशन हम देखने वाले हैं. यस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज इस पे बेस्ड रहेगा, है ना. और ये नया सीख रहे हो कुछ शायद इस बार. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. What is a reflexive relation? So, relation R यहाँ पे क्या रहेगा? R is a set. R is a set or a reflexive relation. R is a reflexive relation. ऐसा है कि it is a set of all, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ. R is equal to it is a set of all A comma A. Yes, such that A और A comma A belongs to R. सिर्फ सिंगल A लिखोगे तो भी चलेगा. गाइस ध्यान दो, R is a set of all A comma A such that A belongs to R and for every A. Yes, for every आना चाहिए. For every A belongs to R. Identity set का हमारा क्या था? Identity. See, this is the definition of reflexive. इन दोनों का डिफरेंस देखो. A कॉमा A सच दैट A बिलोंग्स टू R. दिस इज आइडेंटिटी, है ना. और इसमें मैंने क्या किया? इसमें हम क्या करेंगे? फॉर एवरी डाल देंगे. सच दैट एवरी A बिलोंग्स टू R. फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू R. मतलब एग्जांपल ये है हमारा A सेट 1 2 3 4. ठीक है. अब एक रिलेशन डिफाइन करता हूं. आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझो. ठीक है. 1 1 2 2 3 3. इसमें भी देखो A A होना चाहिए, खुद का खुद के साथ. खत्म, इतना ही रखा मैंने. तो इज इट एन आइडेंटिटी रिलेशन? यस. Is it a reflexive relation? No. क्यों? क्योंकि हमने बोला है हर element include होना जरूरी है. For every A belongs to R होना जरूरी है. यहां देखो 4 4 missing है. 4 comma 4 is missing. ये reflexive में नहीं चलेगा. ये reflexive में नहीं चलता है. सारे हर element का खुद के साथ reflection होना जरूरी है, है ना. एक और example ले. Let's say 1 1 2 2 3 3 4 4. अच्छा, क्या ये आइडेंटिटी है? यस. yes. क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस. yes. है ना, आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है. सारे एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4, सबका खुद के साथ रिफ्लेक्शन आ गया. hence it is called as reflexive. 1 का 1 रिफ्लेक्शन, 2 का रिफ्लेक्शन 2, 3 का 3, 4 का 4, है ना. यस. yes? अच्छा, गलती कहां करोगे? बड़ी वाली जेई एग्जाम्स के जैसे एग्जाम्स में. एक रिलेशन देता हूं 1 1 2 2 3 3 4 4 1 कॉमा 4. ठीक है, 1 कॉमा 4. क्या ये आइडेंटिटी है? इज दिस एन आइडेंटिटी रिलेशन? यस और नो?
ऐसा सेम एग्जांपल ऊपर देखा था हमने, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, क्यों? क्योंकि 1-4 आ गया, नहीं चलता, ए कॉमा ए ही होना चाहिए सिर्फ, है ना। इज दिस रिफ्लेक्सिव? यस, है ना। सी 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ आ गया, है ना, रिफ्लेक्सिव को उसी से मतलब है। 1, 4 आया, यस, चलता है, चलता है, मुझे जो चाहिए वो तो मिल गया ना, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। सी दिस इज द रिलेशन डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव। यहां पे कंफ्यूज होते हैं मैक्सिमम लोग, है ना। ऊपर वाला एग्जांपल देखो, क्या था यहां पे, 1-1, यहां देखो 1-1, 2-2, 3-3, 1-3, तो आइडेंटिटी नहीं है इसमें, सिर्फ ए का ए के साथ ही रिलेशन चाहिए, करेक्ट, ए का ए के साथ ही रिलेशन चाहिए, है ना। यहां देखो यार, हमको ए का ए के साथ तो मिल गया ना बस, तो रिफ्लेक्सिव को दूसरे किसी चीज से मतलब नहीं है, 1-4 आ गया तो चल जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर है ये, आई ट्राइड टू कीप द स्पीड मॉडरेट, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा स्पीड स्लो करके फिर से देख लेना एग्जाम्पल, फाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, अगला रिलेशन है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो हम सिमेट्रिक पहले करेंगे। द फिफ्थ टाइप ऑफ रिलेशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ यहां पे हमारा ए था 1, 2, 3, 4 एंड बी था, बी क्या था, 5, 6, 7, 8, है ना। तो एक सिमेट्रिक रिलेशन वो होता है, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यस, जहां पर और सच दैट इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यस, देन सॉरी यहां बिलोंग्स टू इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर, है ना। फॉर एवरी ए कॉमा बी, पूरा कंप्लीट कर देते हो डेफिनेशन तुम्हारे लिए एग्जाम में गलती से आ गया तो, ऐसे नहीं आता ऐसे डेफिनेशन, बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए कॉमा बी, है ना, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। अच्छा मतलब क्या है, ए कॉमा बी अगर है, यहां देखो एक रिलेशन लेता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, अब मैं नीचे ले रहा हूं, है ना, 1, 5 अगर इसमें है तो 5, 1 भी होना चाहिए। सी इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर, यस। अगर 2, 6 है इसमें तो 6, 2 भी होना चाहिए, है ना। सो इज इट सिमेट्रिक? यस, दिस इज सिमेट्रिक, है ना। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, 1, 5, 5, 1, 3, 6, is it reflexive? Is it symmetric? No, not symmetric. क्यों? क्योंकि देखो a कॉमा b, b कॉमा a है, 3, 6 but 6, 3 यहां पर नहीं है, है ना, तो ये symmetric नहीं हुआ। तो symmetric वो है कि अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a भी रहना चाहिए, ठीक है, अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a भी उसमें रहना चाहिए, दैट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, करेक्ट, फ्रॉम a टू b, तो इसको बोलते हैं a रिलेशन ऑफ a टू b। सी दो सेट लिया ना हमने, रिलेशन ऑफ a टू b, फाइन। और अगर मैं सिर्फ एक सेट पे इसको अप्लाई करता हूं, लेट्स से सिर्फ a सेट पे अप्लाई करते हैं 1, 2, 3, 4, है ना, तो अ रिलेशन From A to A, क्या होगा रिलेशन, R is such that 1, 2, 2, 1, is it symmetric? Yes, so R is symmetric on A, so A is related to A in such a way that 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए।
तो एक सेट पे भी इसको लगा सकते हैं, दो सेट पे भी इसको लगा सकते हैं। क्लियर है? यस। अच्छा, ये एक सेट पे 1 2 2 1 3 4, इज इट सिमेट्रिक? नो, नॉट सिमेट्रिक। यस, 3 4 की जोड़ी नहीं है, 4 3 भी होना चाहिए उसमें, तभी सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? या द लास्ट टाइप, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा गाइस, दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ मैथ्स फॉर अ लॉट ऑफ यू, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। सो अगर स्पीड स्लो करना होगा तो प्लीज मुझे मैसेज करके बता देना, मैं एकदम मॉडरेट स्पीड से सिखा रहा हूँ, ना ही बहुत स्लो ना ही बहुत ज्यादा, फाइन। और ये सब हो चुका है क्लास 11 में। सो हियर सपोज यू हैव अ रिलेशन ए, 1 2 3 4। अब इसको ट्रांजिटिव कब बोलते हैं? यस, नाउ इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन इफ आर इज अ सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी, सारे ए कॉमा बी, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर a कॉमा बी आर में है एंड b कॉमा सी भी आर में है, देन a कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू r। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक रिलेशन लेते हैं 1 कॉमा 2, a का a के साथ, a इज रिलेटेड टू a, a का a के साथ रिलेशन लिया, खुद के साथ ही, है ना, खुद के साथ 1 कॉमा 2, यस, 2 कॉमा 3, 1 कॉमा 3, इज इट ट्रांजिटिव? देखो, ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, तो ए शुड बी रिलेटेड टू सी, ये देखो ए सी। 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है, तो 1 3 के साथ होना चाहिए, सो दिस इज ट्रांजिटिव। अच्छा, ये रिलेशन देखो, 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है, 3 1 के साथ है, इज इट ट्रांजिटिव? नो, गाइस, 3 1 और 1 3 दो अलग चीज है, याद रखो, a कॉमा b है, b कॉमा c है, तो a कॉमा c ही होना चाहिए, c कॉमा a नहीं चलेगा, ठीक है ना, c कॉमा a इज नॉट अलाउड। तो अगर इसमें 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 3 है, तो 3 कॉमा 1 नहीं चलेगा, 1 कॉमा 3 चाहिए, ठीक है ना, सो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, करेक्ट। एक और एग्जाम्पल ले लो, 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 1 कॉमा 3 3 कॉमा 4 4 कॉमा 1, इज इट ट्रांजिटिव? देखो, 1 2 2 3 1 3, तो इनका तो हो गया, सेट हो गया, ये तीनों की जोड़ी बन गई। इसकी देखो, 3 4 4 1, राइट, और ले लेते इसको ट्रांजिटिव, हम बनाएंगे तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो अच्छा, अब इसको ट्रांजिटिव बनाना है अगर, तो लास्ट में क्या आना चाहिए? सी, 1 2 हो गया, 2 3 3 1, इन तीनों की पेयर बन गई, 3 4 4 1, तो यहां क्या आना चाहिए? 3 1, है ना। तो अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो 3 1 ऐड कर देंगे, क्या अब ये ट्रांजिटिव हो गया? यस, ये ट्रांजिटिव हो गया, है ना। सो 3 4 है, 4 1 है, तो 3 1 उसमें होना चाहिए, फाइन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिलेशंस, 6 टाइप के रिलेशंस होते हैं, करेक्ट। सो जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल 6 रिलेशंस। पहला है वॉइड रिलेशन, मतलब कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसा कंडीशन है कि तुम्हारी जोड़ी बनती नहीं है किसी के साथ। यूनिवर्सल रिलेशन, कोई भी जोड़ी चल जाएगी, हर पेयर पे वो कंडीशन ट्रू है। आइडेंटिटी रिलेशन, खुद का खुद के साथ होना चाहिए और सिर्फ खुद का खुद के साथ ही होना चाहिए, किसी और के साथ आ गया तो नहीं चलेगा। सी, खुद का खुद के साथ, 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 1 2 2 3 3, दूसरा आ गया नहीं चलेगा, है ना, 1 1 2 2 चलेगा, खुद का खुद के साथ कम एलिमेंट्स रहे चलेगा, लेकिन दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए, है ना।
रिफ्लेक्सिव में थोड़ा उल्टा होता है, दूसरे के साथ चलेगा लेकिन खुद का खुद के साथ तो होना ही चाहिए, है ना। सी 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, नहीं चलता, खुद का खुद के साथ तो होना ही चाहिए, दूसरे के साथ रहा तो चलेगा, नहीं रहा तो चलेगा, वो आगे का आगे एक्स्ट्रा रहा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, है ना। आइडेंटिटी में क्या कम चलेगा, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, है ना। आई रिपीट, आइडेंटिटी में कम चलेगा, एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, यस। रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा चलेगा, कम नहीं चलेगा, क्लियर है। ये देखो यहां कम है, 4 4 नहीं है तो नहीं चलेगा। सिमेट्रिक में 1, 2 है तो 2, 1 भी होना ही चाहिए। सी 1, 5, 5, 1, 2, 6 है तो 6, 2 भी होना चाहिए। यहां देखो 1, 5, 5, 1, 3, 6 है बट 6, 3 इज मिसिंग, 6, 3 नहीं है बेचारा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव 1, 2 है, 2, 3 है तो 1 से 3 होना चाहिए। 1 बोलेगा मैं आऊंगा अगर 2 आया, 2 बोलेगा मैं आऊंगा अगर 3 आया, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1 आएगा अगर 3 आया तो। यस, मूवी जाना है तीन दोस्तों को, डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे, 1 बोलता है 2 को चलेगा क्या, 2 बोलता है अगर 3 आएगा तो मैं आऊंगा, मतलब अगर 3 आया तो ही 1 को भी जाने मिलेगा, है ना। तो 1 के लिए 3 भी जरूरी है, तो 1, 3 आना चाहिए, समझ में आ रहा है। यस, सो दीज आर द 6 मेन टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब हम करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। ऑल इन वन का सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 उठाया है इस मैंने, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस, मतलब एक सेट दिया है ए फॉर एग्जांपल 1 2 3 और एक रिलेशन दे दिया। क्या रिलेशन दिया है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, यस। बोला शो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सी रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए, यस, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर, ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए, है ना, हर ए के लिए ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू ऑल, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, हर ए के लिए होना जरूरी है। तो देखो है क्या, 1 1 है, हाँ, 2 2 है, यस, 3 3 है, यस। सी एक्स्ट्रा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, है ना। तो ये लिखना जरूरी रहेगा, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। फॉर अ रिफ्लेक्सिव सेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए होना जरूरी है। सो दिस इज द आंसर, सो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। या सिमेट्रिक, लेट्स चेक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो 1, 2 है, इट बिलोंग्स टू आर, ओके, 2, 3 है, इट बिलोंग्स टू आर, बट 1, 2, 2, 3 तो 1, 3 भी होना चाहिए। 1, 3 है क्या इसमें, देखो नहीं है, 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, therefore it is not symmetric, correct? transitive, oh okay sorry, ये transitive हो गया, this is transitive, transitive नहीं है, see, not transitive, 1, 2 है, 2, 3 है, 1, 3 भी होना चाहिए, but 1, 3 does not belong to, hence it is not transitive, ठीक है ना, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। और सिमेट्रिक क्या बोलता है, सिमेट्रिक देखो तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2, 1 है क्या इसमें, नहीं है ना, 1, 2 है बट 2, 1 है, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक ऑल्सो। एग्जैक्टली ऐसे लिखना है एग्जाम में,
है ना, समझ में आया? सो बोला है बताओ, प्रूव दैट इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड नाइदर ट्रांजिटिव एज वेल. ओके फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. ओके सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑल्सो ऑल इन वन में भी एग्जाम्पल 3 है ना, फॉर योर रेफरेंस आई एम जस्ट राइटिंग. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सी, एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, एक रिलेशन दिया है, बोला है x comma y such that y is divisible by x, चेक whether it is reflexive, symmetric and transitive. ठीक है, चेक करो. तो अब देखो यार, प्रॉब्लम ये है, सी यू कैन सॉल्व इट बाय टू वेज, या तो पहले पूरा रिलेशन बनाओ, फाइंड आउट दिस रिलेशन, ये रिलेशन के सारे एलिमेंट्स निकालो, सारे निकालते बैठो, कितने आएंगे, y should be divisible by x, तो 1, 1 चलेगा, 1, 1 yes, 1, 2 see 2 is divisible by x, this is x, this is y, this is x, this is y, so 2 is divisible by 1, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, okay, 2, 2, फिर 2, 4, 2, 6, 2, 5 आ सकता है क्या, नहीं, 5 is not divisible by 2, है ना, फिर और क्या आएगा, 3, 3, 3, 6, या और 4, 4, 5, 5, 6, 6, करेक्ट, सी 6 is divisible by 6, can I write 6, 1 here, no, 1 is not divisible by 6, सी ये x है बच्चों, ये y है, तो इज 1 डिविजिबल बाय 6, नो, है ना, कैन आई राइट 4, 5 इन दिस, ये x, ये y, इज 5 डिविजिबल बाय 4, नो, है ना, तो इतने बनेंगे, करेक्ट, तो या तो ये बना लो पहले, और अगर नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल, है ना, चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, सी 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है, 6, 6 है, सो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, हाँ कि नहीं, सो हियर हियर एवरी x कॉमा x बिलोंग्स टू R, एवरी x कॉमा x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव. अब तुम बोलोगे x कॉमा x क्यों लिखा, यहाँ पे y इज इक्वल टू x, x शुड बी इक्वल टू y, है ना, सेम सेम एलिमेंट आना चाहिए, करेक्ट, तो सारे आ गए, एक्स्ट्रा चलेंगे लेकिन ये तो है ना, यस, फॉर एवरी For every x belongs to A, correct है? तो reflexive है, symmetric देखो, see check for symmetry, है ना? See 1, 2 belongs to R, but 2, 1 है क्या इसमें? 2, 1 does not belong to R. See एक भी अगर तुमको exception मिल गया तो खत्म. है ना, एक भी एक्सेप्शन मिल गया तो खत्म, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, एक भी एक्सेप्शन नहीं चलेगा, तो एक एक्सेप्शन ढूंढ लो, खत्म, ये सेट नहीं बनाया तो भी चलेगा, बट तुमको ये ढूंढते आना जरूरी है. लेट्स चेक फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी देखो, अब ट्रांजिटिविटी के लिए कुछ चीजें चेक करना थोड़ा टफ हो जाता है, यहां ट्रांजिटिविटी चेक कैसे करोगे, 2 का 2 के साथ है, 2, 2 belongs to R, okay, 2, 4 belongs to R, yes, 2, 2 belongs to R, 2, 4 belongs to R, so 2, 4 should belong to R, वो तो ऑलरेडी है, 2, 4 should belong to R, ये तो ऑलरेडी है ना, तो यहां ट्रांजिटिविटी लग गई, Yes? लेकिन ऐसे कितना चेकिंग करोगे, है ना, सो हियर ट्रांजिटिविटी के लिए यू हैव टू जनरलाइज, कुछ जनरल लिखना पड़ेगा, कुछ जनरल लिखना पड़ेगा, गाइस आर इज ट्रांजिटिव, देखो यहां पे, है ना, 1, 1 है तो 1, 1 के साथ है, 1, 2 के साथ है तो 1, 2 के साथ ऑलरेडी है, सी 1, 3 के साथ है, 3, 1 के साथ तो है ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं है, 1, 4 के साथ है बट 4, 1 के साथ है नहीं तो कोई टेंशन नहीं, सी 1, 4 है, 4, 1 है क्या, नहीं तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है,
1.5 है, 5.1 है क्या? नहीं, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सी 2 होना चाहिए, a कॉमा b होना चाहिए, b कॉमा c होना चाहिए, तभी तो मैं a कॉमा c चेक करूंगा। अगर b कॉमा c है ही नहीं तो मैं चेक क्या करूं? यस, तो अगर तुम यहां से सब देखोगे, सी 3.3, 3.6, तो 3.6 भी है, करेक्ट है ना? सो यस इट इज ट्रांजिटिव। तो यहां लिख दो, या तो यस इट इज ट्रांजिटिव बाय चेकिंग, या फिर देयर इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट, जनरलाइज्ड वे, एक जनरल मेथड है इसको करने का, है ना? सी हमको क्या सेट चाहिए? वी वांट अ सेट वेयर x, y, सी ट्रांजिटिविटी में क्या रहेगा, x, y इफ इट बिलोंग्स टू R एंड y, z इफ दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देन x, z शुड बिलोंग टू R, या ABC ले लो यार। एक्स वाई क्यों लिया मैंने यार? क्योंकि यहाँ एक्स वाई दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ x, y दिया इसलिए एक्स वाई लिया, बट ABC ले लो तुम चलेगा, है ना? इफ x, y बिलोंग्स टू R, रिलेशन क्या है? y शुड बी डिविजिबल बाय x, है ना? लेट लेट y इज डिविजिबल बाय x, तो इसको हम बोल देते हैं कॉन्स्टेंट k1 फॉर एग्जाम्पल, है ना? एंड सी एंड एंड z, y, z y से डिविजिबल है, z इज डिविजिबल बाय y, ये इससे डिविजिबल होना चाहिए, तो इसको हम बोल देते हैं लेट से कॉन्स्टेंट 2 k2, है ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो y by x into z by y is equal to k1 into k2, है कि नहीं? तो ये y y कटा, बचा क्या? z upon x which is equal to k1 into k2। बच्चों अगर k1 constant है, अगर k2 भी constant है, तो k1 into k2 भी तो constant रहेगा, that means z is divisible by x, z is divisible by x, हाँ कि नहीं? Then देखो, is z divisible by x? Yes, therefore it is transitive, है ना? हमको क्या चाहिए? Y should be divisible by x, ठीक है? तो हमने बोला let's say ये उसमें belong करता है, and let's say ये भी उसमें belong करता है, z divisible by y, करेक्ट? हमारा कंडीशन यही तो बोलता है। व्हाट डज द कंडीशन से? यहां लिखता हूं, इफ ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी है, तो पहले ये दोनों तो होना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा इफ y अपॉन x इज इक्वल टू k1, मतलब x कॉमा y है एंड y कॉमा z भी है k2, देन a कॉमा सी होना चाहिए, ये दोनों अगर है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये भी है, ठीक है? और ये है, तो हमारा रिलेशन क्या है? y इज डिविजिबल बाय x, सॉरी कहां गया, या हमारा रिलेशन है y इज डिविजिबल बाय x, तो देखो यहां इज y डिविजिबल बाय x, हमने बोला हाँ ये है, मतलब y इज डिविजिबल बाय x, लेट इट बी इक्वल टू k1, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन आएगा k1, जब मैं z को y से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन आएगा k2, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 into 2 किया, है ना? तो मुझे मिला y by x into z by y, y by कटा, बचेगा क्या? z upon x is equal to k1 k2, मतलब which is also constant value, proper value आएगा, hence it is divisible by x, मतलब z is divisible by x, z divisible by x है, that means what? Means what? X comma z belongs to R and therefore it is transitive. Yes, I hope अच्छे से समझ में आ रहा है, कुछ doubt रहेगा तो या तो मुझे बाद में पूछो या please repeat the video again, fine? Okay, look at this question, NCERT में भी है, all in one में भी है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? Give an example of relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive. Symmetric होना चाहिए but reflexive transitive नहीं होना चाहिए. तो let
एक लेते हैं सेट 1, 2, 3, है ना, फर्स्ट आंसर सिमेट्रिक है, यस, तो रिलेशन विच इज सिमेट्रिक 1, 2, 2, 1, ये ले सिमेट्रिक, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2 होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए 1, 2 से है, 2, 1 से है, तो 1, 1 होना चाहिए था उसमें, सी 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1, सो 1 शुड बी रिलेटेड टू 1 फॉर ट्रांजिटिविटी, फाइन, सो दिस इज अ सेट विच इज रिफ्लेक्सिव विच इज सिमेट्रिक, बट ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है, अच्छा ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां देखो 1, 2, 2, 3, 1, 3, देखो तो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3, तो एक रिलेशन है विच इज ट्रांजिटिव बट ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही सिमेट्रिक होने के लिए 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए था बट 2, 1 नहीं है, है ना, अब बोल रहे विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ऑल्सो बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सो 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये लो, इज इट रिफ्लेक्सिव, यस, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, इज इट सिमेट्रिक, सी 1, 1, 1, 1, 1, 1 का सिमेट्रिक क्या है, 1, 1 तो है ना, फिर सिमेट्रिक भी हो गया ये तो, यस और नो, ये चाहो तो तुम अगर ये कंफ्यूज हो रहा है तो ये ले लो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, चल बस, सो 1, 2 है, 2, 1 भी है, तो यार इट इज सिमेट्रिक, इट इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, एक्स्ट्रा चलेगा, फाइन, बट ट्रांजिटिव नहीं है, सी 1, 2 है, 2, 1 है, 1, 1 है, लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं है ना, करेक्ट, यस, तो ये भी ले सकते हो, बट इतना लिख दोगे तो खत्म हो गया हमारा, फाइन, यस, इनफैक्ट दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, है ना, ये ट्रांजिटिव भी है, करेक्ट, इसमें और ऐड कर दो 2, 3, 3, 2, अब देखो ना, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना, यहीं पे खत्म कर सकते थे, सी 1, 1 है, 1, 1 है, तो सिमेट्रिक हो गया ना, फिर 2, 2 है, 2, 2 का सिमेट्रिक इज 2, 2, काम खत्म, कुछ नहीं करने की जरूरत है, और क्लियर, अच्छा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, सो लेट्स से पहले रिफ्लेक्सिव तो है, तो रिफ्लेक्सिव बना दो पहले तो, 1, 1 लिख दो, 2, 2 लिख दो, 3, 3 लिख दो, क्योंकि इसके बिना तो रिफ्लेक्सिव बनेगा नहीं, सारे एलिमेंट्स खुद के साथ, सो रिफ्लेक्सिव, अब इसको ट्रांजिटिव बनाना है, सी 1, 1 के साथ है, है ना, 1 को मैं 2 के साथ डाल देता हूं, चलेगा, 1, 1 के साथ, 1, 2 के साथ, करेक्ट, सो 1, 2 के साथ, 1, 1 के साथ, 1, 2 के साथ, है ना, और इसका थर्ड, सी 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो इसका, इसको अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो तीसरा क्या आना चाहिए, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो वो तो ऑलरेडी लिख दिया हमने, बट इज इट सिमेट्रिक, नो, क्योंकि 2, 1 इसमें नहीं है, 2, 1 नहीं है इसमें, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, काम खत्म, हाँ कि नहीं, यस, फाइन, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, फिफ्थ लास्ट, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं लिख सकते इसमें, है ना, सो दो लिख दो, 1, 1, 2, 2, अच्छा देखो तो 1, 1 इज इट सिमेट्रिक, यस, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, फाइन, ओके, अब 1, 1 के साथ है यार, 1, 2 के साथ तो है ही नहीं, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, ट्रांजिटिव कब होता है बच्चों, ट्रांजिटिव होता है अगर 1, 1 के साथ है एंड 1, 2 के साथ है, करेक्ट, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ है, करेक्ट, तो ट्रांजिटिव तो है ही है वो, समझ में आ रहा है, हाउ इज दिस ट्रांजिटिव, सी सिमेट्रिक है 1, 1 के साथ, 2, 2 के साथ, तो सिमेट्रिक हो गया, 1, 1, 2, 2 खत्म, तो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, व्हाई, बिकॉज 3, 3 इज मिसिंग, 3, 3 इज मिसिंग,
सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी काम खत्म। आई होप ये समझ गया होगा तुमको, आई होप ये समझ गया होगा कि नॉट रिफ्लेक्सिव। हाउ इज इट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव तो तभी चेक करना है जब ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी भी है, तभी हम ट्रांजिटिविटी चेक भी करेंगे। अगर ये ऐसा नहीं है तो इट इज ऑलरेडी ट्रांजिटिव। बात को समझो, है ना। सी 1,1 है, 1,2 है क्या या 2,3 है क्या? नथिंग, 1,1 के साथ है। ए कॉमा बी है, यस, बी कॉमा सी तो है ही नहीं इसमें, 1 किसी और के साथ तो है ही नहीं, 1,3 है क्या, 1,2 है क्या, नहीं है, है ना। सो इट इज ऑलरेडी ट्रांजिटिव, ऑलरेडी ट्रांजिटिव, क्योंकि ये फॉर्मेट है ही नहीं। अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव। ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी है क्या इसमें? नहीं, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। 1,2, 2,3 ऐसा कुछ है क्या? नहीं। सो इट इज ऑलरेडी ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है? फाइन, ओके। सी दिस एग्जांपल, एग्जांपल 4। सेट ए दिया है 1 से लेके 14 तक। बोला है आर इज अ रिलेशन ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज 0। ये रिलेशन है, x और y में ये रिलेशन होना चाहिए, 3x माइनस वाई इज 0। चेक वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो चलो चेक करेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव में x और y सेम होना चाहिए, हाँ कि नहीं? x और y सेम होना चाहिए, तो 3 ले लो, 3,3 x y 3 ले लो। सी 3 बिलोंग्स टू a, 3 बिलोंग्स टू a, तो ले लो 3,3 डालो। तो यहां पे व्हाट इज LHS? LHS इज 3x माइनस y, है ना, तो डाल दो 3,3 वैल्यू, 3,3 जा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं है ना 0 इक्वल, मतलब ये रिलेशन में 3,3 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसका जो सेट बनेगा बच्चों, है ना, सी दिस रिलेशन का जो सेट बनेगा, क्या उसमें मैं 3,3 ले सकता हूं? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं x के जगह 3 और y के जगह 3 डालूं तो मुझे इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बाकी लोगों के लिए तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, है ना, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव में हर एक होना चाहिए, तो 3,3 तो नहीं आ सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहने वाला है। बात खत्म यहीं पर। यस, अब सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में एक ऐसा रिलेशन फाइंड करो जो इसको सेटिस्फाई करेगा। सी एक्स के बदले अगर मैं 1 डाल दू और वाई के बदले 3 डाल दू तो ये 0 आ जाएगा ना। 1,3 बिलोंग्स टू द रिलेशन, देखो ना, डालो LHS 3×1 − 3 is 0 which is equal to RHS। तो ये symmetric कब होगा? जब 1,3, देखो इसमें 1,3 तो आ सकता है, 1,3 आ सकता है, yes, क्योंकि 1,3 values इस equation को satisfy कर रहे हैं। 1,3 आ गया तो 3,1 भी आना चाहिए, या सुनो, so x के जगह ये डालो, y के जगह ये डालो, देखो तो LHS 3×3 − 1 which is 8 which is not equal to 0 which is not equal to RHS, है ना? So 3,1 does not belong to R, 1,3 belongs to R, 3,1 does not belong to R, therefore it is not symmetric। समझ में आ रहा है? Yes? Now ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के चेकिंग के लिए दो होने जरूरी है, दो चीजें होनी जरूरी है। तो हमको एक तो मिल गया 1,3, 1,3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अच्छा एक और चीज चेक करो, तो 3,9 देखो, तो 3,9 विल ऑल्सो बिलोंग टू R, चेक करो जरा। LHS 3x − y is equal to x के जगह 3, y के जगह 9, so 9 − 9 which is 0 which is equal to RHS, हाँ कि नहीं? So 3,9 will also belong to R, 1,3, 3,9 ये भी R को belong करता है ना,
नाउ 1.3 है, 3.9 है, यस, तो 1.9 शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर, तभी तो ट्रांजिटिव होगा. 1.3 है एंड 3.9 भी है, सो 1.9 होना चाहिए. देखो तो 1.9 के लिए चेक करो, 3x माइनस y, सो 3 इंटू 1 माइनस 9 इज 3 माइनस 6 विच इज, सॉरी 3 माइनस 9 विच इज माइनस 6 विच इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना. सो 1.9 डज नॉट बिलोंग टू R, therefore it is not transitive. क्लियर है? ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं, R इज अ रिलेशन ऑफ xy such that 3x square minus 7xy plus 4y square is equal to 0, है ना. x comma y belongs to natural number. Now this is a relation on natural number, relation on natural numbers n, है ना, क्योंकि x comma y belongs to natural numbers बोले. Show that R is reflexive but not symmetric, not transitive also. Yes, मतलब चलो पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे बताता हूँ मैं, बट पहले क्या कर लो, इसको फैक्टराइज कर दो. हाउ डू यू फैक्टराइज दिस, स्प्लिट द मिडिल टर्म, है ना. तो आई गेस स्प्लिट द मिडिल टर्म तो कर पाओगे, सो 3x स्क्वायर 4 यस, सो 3 4 सर 12, सो माइनस 3 एंड माइनस 4 लिया, सो 3x कॉमन, यू गेट x माइनस y माइनस 4y कॉमन x माइनस y, सो यू आर लेफ्ट विथ x माइनस y एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0. तो अब मेरा रिलेशन क्या हो गया, देखो, इज अ रिलेशन ऑफ ऑल xy सच दैट x माइनस y इंटू 3x माइनस 4y should be equal to 0. X comma y belongs to natural numbers. ठीक है? तो ये है चीज, and this is equal to 0. तो पिछला जो example था, उससे थोड़ा similar है, है ना? X minus y, 3x minus 4y should be equal to 0. तो reflexive के लिए देखो, x और y दोनों same रहेगा. Reflexive क्या होता है? X comma x, है ना? Yes, तो y के बदले कैन आई सब्स्टिट्यूट x, पुट y इज इक्वल टू x हियर, तो क्या आ जाएगा, देखो x माइनस x इंटू 3x माइनस 4x इज इट इक्वल टू 0, यस, x माइनस x 0 है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, है ना, दैट मींस x कॉमा x बिलोंग्स टू R और इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन. ये x comma x is satisfying my condition, yes or no, therefore it is reflexive. Yes, अब बोल रहे prove that it is not symmetric. ठीक है, so this relation is true for x is related to x, के लिए ये true है, है ना. symmetric में क्या है, अगर xy के लिए true है, if it is true for xy then it should be true for yx also. ठीक है, तो xy के लिए देखते हैं क्या रिलेशन है हमारा. For x related to y क्या है, as it is x minus y into 3x minus 4y should be equal to 0, correct. और yx के लिए क्या आएगा, y related to x, उल्टा हो जाएगा सब कुछ, x is equal to y हो जाएगा और y is equal to x हो जाएगा, yes or no. See, ये है x comma y के लिए, x comma y के लिए ये relation है. See, मैं इसको एक अलग तरीके से लिख देता हूँ, चलेगा, a minus b 3a minus 4b, तो इसमें हमने क्या किया, a के बदले x डाला और b के बदले y डाला, है ना, यहाँ पर. Now यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, a के बदले y डालेंगे और b के बदले x डालेंगे, क्यों, क्योंकि we have to check for y comma x, है ना. तो ये क्या आएगा, y minus x into 3y minus 4x should be equal to 0, yes or no. So यार अगर
x माइनस y इंटू दिस इज जीरो, तो दैट डज नॉट मीन कि ये भी जीरो है. वी डोंट नो राइट, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं पता. x रिलेटेड टू y डज नॉट इम्प्लाई दैट y इज रिलेटेड टू x. गाइस हो भी सकता है ना, फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स वाई, करेक्ट, बट वो सिर्फ कब होगा? When x is equal to y. See, जब x और y equal होंगे ना, तभी होगा वो. उसके बिना नहीं हो सकता. Correct? So it is not transitive, not symmetric. So it is not symmetric. Right? अब transitive के लिए तो तीन condition check करनी पड़ेगी. एक xy की, एक yz की, है ना, और एक xz की. ये और ये है, इफ ये और ये है देन ये भी होना चाहिए, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल एक्स इज रिलेटेड टू वाई, लेट्स से, तो ये आएगा एक्स माइनस वाई थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो. एंड वाई जेड ले लो, वाई इज रिलेटेड टू जेड, तो यहां क्या हो जाएगा? एक्स के बदले वाई, वाई के बदले जेड, एक्स के बदले वाई, y के बदले z, this is equal to zero. Guys, this thing does not imply x comma z, x related to z. देखो x minus z into 3x minus 4z. Yes, ये है और ये है, तो can we conclude कि ये भी है? नहीं, we cannot conclude this, है ना? Therefore, it is not transitive. Fine? ऐसे अगर नहीं भी समझ रहे ना, तो एक और वे में मैं बता सकता हूं. सिमेट्रिक, सपोज वन कॉमा, जस्ट सेकेंड, हम इसको सॉल्व करेंगे. अनदर वे ऑफ यू नो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, एक्स माइनस वाई एंड थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो. वेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो या तो x माइनस वाई इज जीरो या तो 3x माइनस 4y इज जीरो. हाँ कि नहीं, है ना? सो यहां से आएगा x इज इक्वल टू y और 3x इज इक्वल टू 4y. यस, 3x इज इक्वल टू 4y. सो x इज इक्वल टू 4 बाई 3 टाइम्स ऑफ y. x इज इक्वल टू 4 बाई 3 टाइम्स ऑफ y. सो x इज इक्वल टू y पे तो ट्रू है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया. x is equal to y पे ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव हो गया. ये तो समझ गया कि x is equal to y डाल दो यहाँ पे, x is equal to y या y is equal to x, तो x minus x zero, है ना? So for all x comma x it is true, तो रिफ्लेक्सिव हो गया. अब देखो सपोज x is equal to 1, तो y कितना हो जाएगा? 4 by 3, sorry, सपोज y is equal to 1, y की वैल्यू 1 डाल दो, तो x कितना हो जाएगा? 4 by 3 यहां पे, है ना? 1 comma 4 by 3 is the solution of this equation, is the solution of this equation, दूसरा solution, but x and y belongs to natural number. हाँ कि नहीं? तो क्या कोई ऐसी natural number की जोड़ी है जो यहां पे आ सकती है, दो natural numbers? बिल्कुल. put y is equal to 3, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा? देखो 4 by 3 into 3, 3 3 कटा, x is equal to 4, तो 3 comma 4 will satisfy this equation. हाँ कि नहीं? See 3 comma 4, देखो यहाँ पे x minus y into 3x minus 4y is equal to 0, ठीक है, तो x comma y is equal to 4 comma 3 will satisfy this equation. देखो तो 3 4 is 12 minus 4 3 is 12, तो 0 हो जाएगा. Yes, so 4 comma 3 is satisfying the condition. Now symmetric बनाने के लिए 3 comma 4 should also satisfy the equation. डाल के देखो 3 comma 4 यहाँ पे, है ना? See 3 minus 4 into 3 3 is 9 minus 16 is not equal to 0, hence it is not symmetric. समझ में आया? समझ में आ रहा है?
सो अगर 4,3 है तो 3,4 भी होना चाहिए, बट नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। वैसे ही ट्रांजिटिव के लिए भी तुम चेक कर सकते हो। क्लियर है? यस। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, छोटा सा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अच्छा सिक्स्थ रिलेशन है ये, सेवेंथ टाइप ऑफ रिलेशन दैट वी आर स्टडीइंग, इक्विवेलेंस। सो रिलेशन इज सेट टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ऑल्सो एंड ट्रांजिटिव ऑल्सो। एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अ सम, ओके दिस इज द एग्जाम्पल दैट आई हैव रिटन। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एक सेट है टी, है ना, इसमें सारे ट्राइंगल्स है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ऑल, यस। विथ आर इज अ रिलेशन इन टी, आर इज अ रिलेशन, है ना, इसमें आएंगे इसमें से कुछ ट्राइंगल्स गिवन बाय t1, t2 सच दैट t1 इज congruent टू t2, यस। तो इसमें क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल congruent ट्राइंगल्स, यस। दिस इज t इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। आर एक ऐसा रिलेशन है इसमें से हम दो दो जोड़ी निकालेंगे, है ना, मतलब ऐसा t1 t2 ये दोनों congruent होने चाहिए एक दूसरे से, T2, T3 ये दोनों congruent होने चाहिए, T5, T6 ये दोनों congruent होने चाहिए। सो सारे congruent triangles की list चाहिए, plus dot 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 चालू है, बहुत सारे congruent triangles इसमें होंगे। बोल रहे show that R is equivalence relation, R is an equivalence relation। Equivalence के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहले तो reflexive होना चाहिए, है ना। तो see a relation R in which can I write T1 उसका एक ट्राइंगल है, so every triangle is congruent to itself, तो T1, T1 तो उसमें रहेगा ही रहेगा, है ना, T2, T2 भी उसमें रहेगा ही रहेगा, T3, T3 भी उसमें रहेगा, because every triangle is congruent to itself, होता है कि नहीं, yes, therefore it is reflexive. Therefore, it is reflexive. मतलब T1, T1 belongs to R. Therefore, it is reflexive. T1, T1 मतलब any triangle, any two triangles. T1, T1 हो जाए, T2, T2 हो जाए, whatever. है ना? Symmetric. देखो तो. Let us say, let T1, T2 belong to R. इसका मतलब क्या हुआ? T1 is congruent to T2 क्योंकि R में कौन से triangles आने वाले हैं? सिर्फ congruent triangles। यार अगर T1 T2 से congruent है, so this implies that T2, T1 also belongs to R. That means T2 is congruent to T1. T1 T2 से congruent है, मतलब T2 T1 से congruent है। एक ही बात है ना यार? Yes or no? Therefore it is symmetric also, है ना? थर्ड एक लेते हैं, लेट्स से ट्रांजिटिव चाहिए, है ना। सो लेट T1, T2 बिलोंग टू R एंड T2, T3 बिलोंग टू R। इसका मतलब क्या है, T1 इज congruent टू T2 एंड T2 इज congruent टू T3, या T1 T2 से congruent है, T2 T3 से congruent है, तो obviously T1 will be congruent to T3, हाँ कि नहीं? Therefore T1 T3 will also belong to R and therefore it is transitive also, yes, और transitive भी है, therefore it is an equivalence relation, a relation which is reflexive, symmetric and transitive is called as equivalence relation, clear है? या ओके चलो एकदम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं सिमिलर टाइप में। सी ए क्वेश्चन लिया, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। मतलब एक सेट है
जिसमें सारे ट्राइंगल्स है, ऑल ट्राइंगल्स सारे टाइप के. यस, आर इज अ रिलेशन ऑफ टी वन एंड टी टू सच दैट टी वन इज सिमिलर टू टी टू. मतलब सारे सिमिलर ट्राइंगल्स आने वाले हैं इसमें सिर्फ, जैसे ऊपर कॉन्ग्रुएंट करे इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स आने वाले हैं. एंड शो दैट इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन है ये. फाइन, देखो तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इट्सेल्फ. एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इट्सेल्फ. अब सिमिलर क्या होती है ये नहीं सिखाने वाला हूँ, सब हो चुका लास्ट ईयर. सो लास्ट ईयर नहीं, टेंथ में. तो एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इट्सेल्फ, देयरफॉर टी वन कॉमा टी वन बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव. यस ऑर नो? सेकेंड, सेम वे में सिमेट्रिक. देखो, इफ टी वन इज सिमिलर टू टी टू देन डेफिनेटली टी टू इज ऑल्सो सिमिलर टू टी वन. यस ऑर नो? भाई ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर लिख दो या पी क्यू आर इज सिमिलर टू ए बी सी लिख दो, एक ही तो बात है, हाँ कि नहीं? देयरफॉर टी वन कॉमा टी टू इफ इट बिलोंग्स टू आर देन टी टू कॉमा टी वन ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना? देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो. थर्ड ले लो, ट्रांजिटिव. If T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, yes, यार अगर ये similar है तो definitely T1 is also similar to T3, है ना? CBSE, ICSE 9th standard, CBSE 10th standard, right angle triangle की ये property पढ़ी थी. In a right angle triangle, if you draw perpendicular from here on the hypotenuse, then all the three triangles are similar to each other, है ना? उसमें हमने पढ़ा था ये छोटू बड़े से similar है, ये छोटू बड़े से similar है, तो automatically ये दोनों भी एक दूसरे से similar है. So यही तो है ना? So therefore we can say that if T1 comma T2 belongs to R and T2 comma T3 also belong to R, then T1 comma T3 will also belong to R. Therefore, it is transitive also. ठीक है? Therefore, as it is reflexive, symmetric, transitive, it is an equivalence relation. Clear है? So these are questions on equivalence relation. One very small concept that is remaining in this part is equivalence classes. Equivalence classes. Yes? So this is the last topic for today. Okay. तो जादू से ये सब स्क्रीन के ऊपर आ गया. Fine. Now what is equivalence class? तो equivalence class का ये रहा definition. ठीक है? और ये डेफिनेशन समझाना जरा मुश्किल है. ठीक है? सो इसको समझाने के लिए व्हाट आई डू इज एक एग्जांपल लिया है इधर. ठीक है? ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं. सी, आर इज अ रिलेशन. ये एक रिलेशन दिया हुआ है आर. इट इज अ सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट टू डिवाइड्स ए एंड बी, सॉरी टू डिवाइड्स ए माइनस बी. ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड. यस, जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स. जेड मतलब इंटीजर्स होता है. Z is a set of integers. तो सबसे पहले check whether R is reflexive, है ना? इसको भूल जाओ, left hand side पे जो है सबको भूल जाओ, right hand side पे देखो. My question is, ये given है, check whether R is reflexive. ठीक है? तो okay, देखते हैं. First, reflexive के लिए A comma A should belong to R. या कोई भी number ले लो, कोई भी integer ले लो. 0 comma 0, 0 minus 0 is 0. 0 is divisible by 2, yes, तो 0 comma 0 belongs to R, yes, 1 comma 1 ले लो, 1 minus 1 is 0, 0 is divisible by 2, है ना? Therefore, A comma A belongs to R, therefore, R is reflexive. 2, A comma B belongs to R, इसका मतलब क्या हो गया? A minus B is divisible by 2,
2 से डिवाइड होगा, कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, है ना? लेट्स से द कांस्टेंट वैल्यू इज k, यस, सो a माइनस बी इज इक्वल टू 2k लिख सकता हूं मैं इसको, ये 2 इधर चला जाएगा, सो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। तो देखो तो क्या b कॉमा a बिलोंग्स टू r, b कॉमा a r को बिलोंग करेगा क्या? देखो b माइनस a विल बी माइनस 2k, है ना? 2,4 ले लो, यस, yes? तो 4,2 भी आएगा उसमें, 2-4 is -2 which is divisible by 2, 4-2 is 2 which is also divisible by 2, so this also belongs to R, therefore R is symmetric also, है ना? और थर्ड ट्रांजिटिव देखना है हमको, ठीक है? अब ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, सी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू 2k, बी माइनस सी इज इक्वल टू 2, इसको k1 ले लो, 2k2, है ना? ये a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना? ऐड कर दो इसको, जरा ऐड करो इसको, a प्लस बी प्लस a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2, है ना? b भी कटा, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन k1 प्लस k2, सो a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, देखो इसको 2 से डिवाइड किया तो k1 प्लस k2 आएगा, सो a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ व्हाट वी विल डू इज R इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, तो पहले तो चेक करना है R इक्विवेलेंस है क्या, ठीक है? फिर R को मैं दो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करता हूं, लेट्स से एक क्लास को, एक रिलेशन को मैं नाम दूंगा R AJ, एक रिलेशन R को मैं नाम दूंगा AJ, AJ क्या है? इट इज ए सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी आना चाहिए उसमें, है ना? लेकिन ये ऐसा ही सेट नहीं है, इट शुड सेटिस्फाई द रिलेशन R, AJ सेटिस्फाइज द रिलेशन R, तो AJ क्या हो जाएगा? देखो सेट ऑफ AI लेते हैं इसको, हाँ AI लेते हैं, है ना? तो ये होगा 0,2, 0,-2, 0,4, 0,-4, है ना? 0,6, 0,-6, .. सिर्फ 0, 0 इंक्लूड करना है, ऑल इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, तो उसमें का एक एलिमेंट तो 0 होना ही चाहिए, तो ये हो गया एक एलिमेंट 0, तो ये AJ हो गया, AI, let another be AJ, what is AJ? All odd integers, integers including 1, 1 को include करना है मुझे उसमें, है ना? And it should satisfy the relation, कौन सा? A minus B is divisible by 2, A minus B is divisible by 2, देखो 0-2 is divisible by 2, 0-2 is also divisible by 2, 0-4 is divisible by 2 and so on, तो ये आ जाएगा 1,3, 1,-3, 1,5, 1,-5 and so on so forth, ठीक है क्या? देखो तो ये भी सब है ना, 1-3 is -2, divisible है, 1-3 is 4, divisible by 2, this is also divisible by 2, this is also divisible by 2, वही तो हमारा relation का condition था ना, है ना? See, 2 divides a minus b, तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, करेक्ट? तो अभी AJ इज अच्छा, ओके, नाउ आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि ये क्या है, LHS में हमने क्या लिख रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख रखा है, इट सेज इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो है क्या R इक्विवेलेंस रिलेशन? यस,
हमने चेक किया, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट एक्स. तो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स पे वो इक्विवेलेंस है, करेक्ट. देन आर डिवाइड्स एक्स इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स ए आई, ठीक है. आर डिवाइड्स एक्स इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, देखो तो इट डिवाइड्स जेड, जेड मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको दो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड किया. दो नहीं, ऐसे तो बहुत सारे सेट्स में डिवाइड कर सकता है, हमने फिलहाल दो सेट लिए, करेक्ट. तो एक है ए आई ऑल इवन इंटीजर्स और एक है ए जे ऑल ऑड इंटीजर्स, है ना, विच इंक्लूड्स वन, विच इंक्लूड्स वन. आर दीज टू सेट्स डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब क्या, ए आई इंटरसेक्शन ए जे शुड बी इक्वल टू फाइव. देखो 0 to 0 -2, यार ये इवन नंबर्स है, ये ऑड नंबर्स है, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन रह सकता है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा, 5, करेक्ट. सो दो डिसजॉइंट सेट में इसको डिवाइड कर दिया. नाउ ए आई यूनियन ए जे विल गिव मी माई सेट जेड, इंटीजर्स का सेट देगा अगर मैं इन दोनों को यूनियन कर देता हूं तो, है ना. देखो यहां क्या बोल रहा है, R divides X into mutually disjoint sets AI called partitions or subsets. All elements of AI are related to each other. Yes, देखो ये elements of AI are related to each other. See, A comma B belongs to R, है ना, तो they are related. Where A belongs to Z, B also belongs to Z. And no element of AI is related to element of AJ. See, 0, 2 and let's take 1, 3. Even or odd numbers में कोई relation नहीं है. देखो मैं एक बनाता हूँ 0, 3. Is it divisible by 2? No. है ना? एक even number लो, एक odd number ले लो. कोई भी एक even number, कोई भी एक odd. 2, 5. 5 - 2 या 2 - 5 is divisible by 2? No. है ना, सो AI का AJ के सेट के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. एंड अगर मैं इनका यूनियन ले लूं तो मुझे मेरा X सेट मिलना चाहिए, करेक्ट. सो दिस इज अ सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स. ऑड और इवन को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे मेरे इंटीजर्स का सेट मिल जाएगा X, है ना. नाउ व्हाट इज एन इक्विवेलेंस क्लास, अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाइड है, यस, तो मैं बोलूंगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो. सी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो इज वो सारे एलिमेंट्स जो जीरो के साथ आ रहे हैं. कौन से है, यहां देखो 2 - 2 और +-4 +-6 +-8 एंड सो ऑन. तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, है ना. अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो इक्विवेलेंस क्लास इज अ सेट, इक्विवेलेंस क्लास इज अ सेट और 1 के साथ कौन कौन है, 3 - 3 -5 - 5. सो मैं बोलूंगा +-3 +-5 +-7 एंड सो ऑन, करेक्ट. तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए पहले तो जो रिलेशन दिया है वो इक्विवेलेंस होना चाहिए. And then you have to divide it into all possible subsets. यहाँ मैंने उसको even और odd में divide करके example बताया, correct? जो भी condition रहेगा उस हिसाब से उसको divide करना पड़ेगा. I hope equivalence classes समझ रहा है, है ना? Question ऐसे पूछेंगे, find the equivalence class of, ठीक है? एक question करते हैं. एक क्वेश्चन करके बताता हूं, एक दो इसके क्वेश्चंस करेंगे. दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी आर डूइंग, सो लेट्स टेक अप वन क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. गाइस देखो यहां दे दिया कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है. इन सेट ए 1 2 3 4 5, आर इज अ रिलेशन सच दैट इज अ सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी. देन राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, है ना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो.
तो जीरो के साथ सारे एलिमेंट्स लेंगे हम, जीरो टू, सी ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू, जीरो थ्री होगा क्या, नहीं, जीरो फोर, जीरो सिक्स, और कैन आई टेक जीरो जीरो ऑल्सो, कैन आई टेक, अच्छा सिक्स नहीं है, सॉरी यहां पे सिक्स नहीं है, है ना, तो कैन आई टेक जीरो जीरो ऑल्सो, यस, सो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, जीरो के साथ जो जो एलिमेंट्स है, एक जीरो है, एक टू है, एक फोर है, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब यार ये एग्जाम्पल देख के तुम बोलोगे सर इतना बड़ा लेक्चर क्यों झाड़ा पहले, समझेगा धीरे धीरे, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन चेक भी करना पड़ेगा हर जगह पे, ठीक है, फिर जो कंडीशन दिया है उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, सी दिस इज ऑल इन वन का एग्जाम्पल नंबर 9, नाउ वी आर डूइंग ऑल इन वन का एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, सिमिलर है इसलिए पहले वो बताता हूं। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन, ए एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, आर इज अ रिलेशन ऑफ ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर। तो यार ये तो मैंने अभी अभी सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, है ना, कि इट इज डिविजिबल बाय 2, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, सो शो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, है ना, सो 1, 1 belongs to R because 1 minus 1 is 0 which is divisible by 2, yes, second symmetric a minus b is divisible by 2, ye dikhana hai, so suppose 1, 3 is divisible by 2, correct, so 3, 1 will, 1, 3 matlab basically 1 minus 3 is minus 2 is divisible by 2, so 3 minus 1 is 2 which is also divisible by 2, matlab if 1, 3 belongs to R then 3, 1 also belongs to R, correct, hai na, therefore it is symmetric also, and third similarly it is transitive also, theek hai, ye aise batana padega sab kuch, correct, ye solve karke batana padega, theek hai। ab unhone bola hai sirf डिफरेंस क्या था उसमें और इस क्वेश्चन में, यहां पर ए सेट है 1 2 3 4 5 फाइनाइट सेट है, वहां पर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स था, यस, नाउ द मेन क्वेश्चन इज राइट ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर, ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर का क्या मतलब है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, या वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या आएगा, देखो 1, 1 लेना पड़ेगा बिकॉज 1 - 1 इज डिविजिबल बाय 2, तो 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आ सकता है क्या, नहीं, 1, 2 नहीं आ सकता बिकॉज 1 - 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 आएगा और 5 आएगा, तो ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो गया। व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 2 के साथ 2 आएगा, 2 - 2 इज 0, 2 के साथ और कौन आएगा, 4, और 2 के साथ और कौन आएगा, That's it. Yes? इतने ही आएंगे 2 के साथ। What is the equivalence class of 3? 3 का equivalence class क्या है? 3 के साथ 1 आएगा, 3 आएगा, 1, 3 and 5 भी आएगा। See, 3 - 5 is 2 which is divisible by 2. What is the equivalence class of 4? 4 का equivalence class 1 नहीं आ सकता, 2 आएगा, 4 भी आएगा, 4 - 4 is 0, so this is the equivalence class of 4, and what is the equivalence class of 5, the equivalence class of 5 is 1, odd numbers I guess of 3 and 5 itself, correct, so this is the final answer, isme se koi equivalence classes equal hai kya, dekho 1, 3 and 5 equal hai, yes, aur ye wala aur ye wala equal hai, yes, so different equivalence classes can be equal also, clear hai? See guys, equivalence classes equal ho sakte hai, iske jo sets banenge, sets to humne bana hi nahi, set kya banega, let's say a i hai na, iska set banata hu main, to iska set banega 1, 1 1, 3 1, 5, correct, ye 1 ka set, aj ka ek set banega, us to 2 के साथ जो भी है 2, 2, 2, 4, फाइन,
और इनसे बना इक्विवेलेंस क्लासेस. सी बोथ ऑफ दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, है ना, कोई भी दो एट अ टाइम ले लो तो वो डिसजॉइंट सेट्स आ रहे हैं, करेक्ट. तो हमको AI AJ बनाना नहीं रहेगा, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए तुमको डायरेक्ट क्लासेस लिखना पड़ेगा. क्लियर है? सो दैट इज इक्विवेलेंस क्लासेस का कॉन्सेप्ट, अ वेरी सिंपल टॉपिक ओवरऑल. नाउ व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे? बहुत बड़ा सेशन हो गया लेकिन मैंने पूरा एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है. गाइस यू हैव लॉट ऑफ टाइम सो प्लीज प्रिपेयर. टॉपिक प्रैक्टिस वन इज योर होमवर्क फ्रॉम ऑल इन वन. आज के आज कर लेना ये पूरा, देखो और आज के आज उसको कंप्लीट करो, क्योंकि आगे के पूरे चैप्टर में हल्के हल्के ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं. फाइन, सो विल कम अप विद अ न्यू वीडियो टुमारो ऑन मैथ्स. टेक केयर, बाय बाय गाइज.